बड़ी खबर इस वक्त की, आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रख 4,63,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 बैंक अधिकारियों, 3 सुनारों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच में दर्ज हुए हैं एफआईआर। 4 आरोपी गिरफ्तार, 17 आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज। अपराध क्रमांक 0624 धारा 409, 420, 120 बी भादी पंजीकृत कर अपराध को विवेचना में लिया गया है। आरोपियों के साथ सोने का मूल्यांकन करने वाले सुनारों की भी है मिलीभगत। बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों, सुनारों तथा ग्राहकों द्वारा रचा गया फर्जी गोल्ड लोन षड्यंत्र। जी हाँ, अभी 2-3 महीने पहले आईसीआईसीआई के रीजनल हेड सुश्री कंचन राजदेव द्वारा कोलार थाने में कंप्लेंट की थी कि बैंक की ब्रांच में फर्जी गोल्ड रख के और संदिग्ध रूप से लोन लेने का कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ पे। उसकी प्राइमा फेसी जांच कोलार थाने में की, फिर इंट्रीम जांच में ये पाया कि तो करोड़ों का घोटाला लग रहा है, तो कमिश्नर महोदय के आदेश से फिर ये जांच क्राइम ब्रांच भोपाल को दी गई और आगे क्राइम ब्रांच ने इसमें जांच की तो ये पाया कि 10 ऐसे ग्राहक हैं जिनके टोटल 36 अकाउंट्स हैं वहाँ पे, जिन्होंने या तो गोल्ड रखा ही नहीं बैंक में, या गोल्ड रखा है तो वो बहुत ही कम ग्रेड का है, बहुत ही कम ग्रेड का है, और उस गोल्ड के आधार पर गिरवी रखकर और करोड़ों की राशि, करीब 4,32,00,000 रुपये 10 लोगों के सेंक्शन हुए। उस सोने को वैल्यूएशन करने में 3 सुनार भी शामिल हैं जिन्होंने नकली सोने को असली प्रमाणित किया है असली के रूप में, और बैंक के 4 अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। इस तरह से इन सभी ने मिलकर बैंक के साथ में धोखाधड़ी की है जो 4,32,00,000 के लगभग अभी तक की जाँच में पाई गई है। इस पूरी जांच की प्रक्रिया के आधार पर फिर हमने क्राइम ब्रांच में एक अपराध धारा 409, 406, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत हमने दर्ज किया है। अभी तक एफआईआर करने के बाद 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश के लिए 4 टीमें इसमें लगाई गई हैं, जो बहुत शीघ्र जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने समय से बैंक के साथ इस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है? अभी जो हमें जानकारी मिली है ये अक्टूबर 2022 से इस तरह की घटना हुई है, और हम इसमें और भी बैंक से हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या भोपाल में या मध्य प्रदेश में कहीं और भी इस तरह के फ्रॉड हुए हैं। रिकवरी उनके अकाउंट्स को फ्रीज करने के हम प्रयास कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और अभी गिरफ्तारी 4 लोगों की हुई है। जी नहीं, पूर्व का रिकॉर्ड अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन उन्हें कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है और बैंक द्वारा उनको सेवा से पृथक किया गया है।